तो अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में विक्रांत रोना के 5 दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। मतलब फिफ्थ रेडी का ये फिल्म फ्राइडे सैटरडे थर्सडे में शायद रिलीज हुई थी, उसके बाद इस फिल्म के कलेक्शंस काफी ज्यादा बढ़ते नजर आए हमें, चाहे वो फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे को, इनफैक्ट बट मंडे को इसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने के लिए मिली है। उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हर चैनल पर नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना आपको क्या लग रहा है, ये फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम फिलहाल अपनी वीडियो की तरफ। जैसे कि निकल के आ रहा था ये 95 करोड़ के बजट वाली फिल्म है, और मैं आपको बता दूं एक चीज, तो इसने पहले दिन लगभग 31 करोड़ की कमाई की थी, वर्ल्ड वाइड के बारे में हम बात कर रहे हैं इस पर गौर करिएगा, और दूसरे दिन इसने लगभग 20 करोड़ के आसपास कमाई की थी, तीसरे दिन इसका थोड़ा कलेक्शन बढ़ा था और शायद यह पहुंच गया था 2300 इसके आसपास था, और चौथे दिन इसका जो कलेक्शन निकल के आ रहा था वो 28 करोड़ निकल के आ रहा था, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन थे। बट अब आ रहा है मंडे के दिन, और मंडे के दिन अब दूसरा जो वीकेंड स्टार्ट हुआ है, वीक स्टार्ट हुआ है, ये वीकेंड के डेज नहीं है, मतलब वो कहते हैं ना सैटरडे संडे फ्राइडे जो बहुत ज्यादा कलेक्शन हमें निकाल के देते हैं, तो मंडे के दिन हमें पता था, मैंने पहले वीडियो में कहा था काफी अच्छी गिरावट आने वाली है, तो बहुत ही गंदी गिरावट आई है, और इस फिल्म ने लगभग मंडे में वर्ल्ड वाइड 6 करोड़ रुपए की कमाई महज की है, जो कि अब टोटल हो जा रहा है इस फिल्म का लगभग 112 से 15 करोड़ के आसपास की फिल्म कलेक्शन कर चुकी है, जो कि अपने प्रॉफिट में ही चल रही है। मतलब आप तो ये जितना भी कमाएगी अपना प्रॉफिट ही निकाल रही है, बाकी तो मतलब अब ये हिट हो चुकी है, हिट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर मैं बताऊं हिंदी में इसके कलेक्शन अच्छे दिखते निकल के आ रहे हैं, देखो कर्नाटक में तो इसने बूम मचाया था, मतलब धमाका मचा के रखा था, और मैं आपको बता दूं टोटल इसने कर्नाटक से ना अभी 67 करोड़ रुपए कमाई कर ली है, हिंदी से मैं आपको बता दूं 5.5 करोड़ रुपए की, और लगभग अगर हम बात करें मलयालम से तो मलयालम से भी यार मतलब ऐसा समझ लो कि आप लगभग 4.5 करोड़ के आसपास की कमाई करते नजर आ रही है, और अदर लैंग्वेज में लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ इसके आसपास। वर्ल्ड वाइड भी इसने अच्छे खासे कलेक्शन किए हैं, मैं बता दूं आपको वर्ल्ड वाइड हम चले जाएंगे तो लगभग 8-10 करोड़ के आसपास की कमाई इसने कर ली है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे कलेक्शन है, मतलब अदर कंट्रीज में इसने ऐसे कलेक्शन किए हैं, जो कि अभी बढ़ते ही जाएंगे। अभी एक वीक और चलने वाली है फिल्म, तो मेरे को ये कलेक्शन निकलते हुए दिखाई दे रहा है, लगभग 200 करोड़ के आसपास ये फिल्म पहुंच जाएगी। आप एक कमेंट में बता दो यार आपको क्या लगता है कि ये फिल्म 200 करोड़ को पार कर पाएगी या फिर उसके पहले पहले निपट जाएगी। बाकी तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट, और हाँ नहीं देखी है तो जाके देखो यार, थिएटर्स में बहुत ही गजब की फिल्म है, 3D में देखोगे ज्यादा मजा आएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में